लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को सीओ कोतवाली बीपी सिंह और तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह के सहयोग से इलाहीबाग चौराहे पर चल रहा रोटी बैंक निरंतर जारी है। रोटी बैंक प्रभारी के एसआई धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि रोटी बैंक के माध्यम से गरीब, असहाय और मजदूरों को लॉकडाउन से ही भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, हेलो, लॉकडाउन अभी चल रहा है तब तक ये अभियान रोटी बैंक का चलता रहेगा। इसके बारे में जरा कुछ बता दें। इसमें विशेष रूप से एक रोटी बैंक का बनाया गया है थाने स्तर द्वारा, जिसमें लोगों द्वारा निरंतर सहयोग किया जा रहा है और जो भी खाने के पैकेट्स आ रहे हैं उन जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है जिनको आवश्यकता है।